शायद जमाने की मांग यही थी कि पिनाज मसानी भी अपने संगीत में थोड़ी तेजी लाएं, वरना एक समय इन्हें गजलों की रानी कहा जाता था। कुल 15 अल्बमों से इन्होंने पुरुषों के एकाधिकार वाले क्षेत्र में अपने लिए अहम स्थान बनाया। आज वो भी पॉप की आंधी में बह रही हैं। क्योंकि मीडिया कवरेज इतना हाई है पॉप म्यूजिक के लिए, इसलिए आपको पॉप पॉप ही सुनाई दे रहा है। गजलें तो मैं गाती ही हूँ, लखनऊ में जहाँ भी प्रोग्राम्स गजलों के हों मैं सुनाती हूँ, और जहाँ तक पॉपुलर म्यूजिक है ये भी गाना ही है, उसमें भी सात सुर लगेंगे, लेकिन सिर्फ अदायगी जरा सी अलग हो जाती है। पिछले दिनों वो भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के एक संगीत समारोह में हिस्सा लेने आई थी। हालांकि गजलें गाने का दावा अभी भी करती हैं, पर यहाँ दर्शकों को वैसा कुछ भी नसीब नहीं हुआ। अलबत्ता उन्होंने कुछ पुरानी मेलोडीज और अपने गाए पॉप गीतों को जरूर पेश किया। अब तो वो गजलों की सादगी भरी मुद्रा से परे अपने नए इरादे भी अच्छी तरह जाहिर कर लेती हैं। पहले आई वाज फीलिंग अ लिटिल ऑकवर्ड ऑन स्टेज, क्योंकि बैठ के गाने का एक माहौल था, तो मूवमेंट्स थे ही नहीं, लाइक आई वाज लाइक अ डेड स्टिक। बट उसके बाद आई हैव लर्नड ऑफ कोर्स भारत नाट्यम, उसके बाद यू जस्ट एंजॉय इट। बेसिकली स्टेप्स वाइज सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, यू शुड एंजॉय योर म्यूजिक। जहाँ तक उनके नए एल्बम का सवाल है तो वो अब अगले साल ही आ पाएगा। इस बीच वो मंच के जरिए अपने प्रशंसकों से जुड़ी रही हैं और अपने दोनों रूपों को निभा रही हैं।